सभी भाई और बहनों को प्रभु यीशु के मधुर नाम में जय मसीह की। प्रभु ने एक और मौका दिया, उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। अपन लोग कई हफ्तों से प्रभु यीशु के जीवन का अध्ययन कर रहे हैं, और जैसा मैंने इसके पहले कई बार याद दिलाया, प्रभु यीशु के चार अनुयायियों ने प्रभु की जीवनी लिखी है। जनरली एक व्यक्ति की जीवनी एक व्यक्ति लिखे तो पर्याप्त होता है, लेकिन जब संसार के सृष्टा मनुष्य रूप धारण करके संसार में आए तो उनके जीवन के इतने पहलू हैं या जीवन के बारे में इतनी सारी बातें हैं कि एक नहीं अनेक यदि जीवनियां लिखी जाएं तो भी पर्याप्त नहीं होगा। लेकिन इस तरह से यदि बहुत सारी जीवनी लिखेंगे तो हम में से कौन कब उसको जीवन में पढ़ सकता है, ये सोचकर हमारे सृजनहार और पालनहार ने प्रभु यीशु की चार जीवनियां मनुष्यों को प्रदान की हैं। बाइबल के उत्तरार्ध को जब हम खोलते हैं तब उसकी शुरू की चार पुस्तकें हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। इन चार जीवनियों में मत्ती प्रभु यीशु के अभिन्न चेले या शिष्य थे, प्रभु के 12 मुख्य चेले थे या शिष्य थे, उनमें से एक का नाम था मत्ती। मरकुस प्रभु यीशु का चेला नहीं, अनुयायी था। लूका प्रभु यीशु के 12 शिष्यों में नहीं था लेकिन अनुयायी था। यूहन्ना प्रभु यीशु का खास चेला था। प्रभु के 12 चेलों में से 3 चेले प्रभु के बहुत निकट थे, यूहन्ना उसमें से एक थे। इन चारों की अलग अलग विशेषताएं हैं। मत्ती लिखा पढ़ी के मामले में बहुत एक्सपर्ट था, हर चीज को रोज अपनी डायरी में नोट करता चला जाता था। मरकुस बहुत ही भक्त व्यक्ति था। लूका वैद्य था, और जिस तरह से वैद्य हर चीज को देखता है, अच्छी तरह से परखता है और उसके बाद एक निर्णय पर पहुंचता है, लूका इस तरह से करता था। यूहन्ना बुद्धिजीवी था, वो ना केवल प्रभु को जानता था, वो फिलॉसफी भी अच्छी तरह से जानता था। ऐसे चार लोगों ने प्रभु यीशु की जीवनी लिखी, जिन चारों में से पहली जीवनी से, मतलब मत्ती के द्वारा रचा गया शुभ संदेश, उसमें से प्रभु यीशु के जीवन का अध्ययन कर रहे हैं। आज एक विशेष घटना, मत्ती की पुस्तक में बहुत सारी घटनाएं दी हुई हैं, आज एक विशेष घटना को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो कि मत्ती के शुभ संदेश के 9वें अध्याय के 9वें पद से या 9वें श्लोक से आरंभ होता है। 9:9 में हम देखते हैं, वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो लो। वह उठकर प्रभु के पीछे हो लिया। कुछ अनुमान लग गया होगा कि जिस व्यक्ति ने इस पुस्तक की रचना की है वो अपने स्वयं के बारे में बोल रहा है। देखिए, जब एक आदमी, यदि उसे अपने स्वयं के बारे में लिखने की आज़ादी हो तो वो हमेशा अपनी घटियों और कमियों को छुपा कर रखता है,
और सिर्फ अपनी अच्छी बातों को बताता है। लेकिन जब एक बार एक व्यक्ति प्रभु यीशु का अनुयायी हो जाता है तो वह इस बात को समझता है कि मेरे प्रभु ने मेरे अंदर जितनी कमियां हैं, जितनी घटियां हैं, मेरे अंदर जितने दोष हैं, जितने पाप हैं, उन सबको अच्छी तरह से देखकर, जानकर, बूझकर मुझे अपने बच्चे के रूप में ग्रहण किया है और मुझे मुक्ति प्रदान की है और मुझे जीवन में और भी बातें दी हैं, इसलिए अपनी इन सारी बातों को छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मत्ती जो लिखता है उसमें हम इसे देखते हैं। जहाँ तक छुपाने की बात है, अपन हिंदुस्तानी लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हम अपने जीवन की कमियों और घटियों को कैसे छुपाते हैं। खासकर जब शादी की बात आती है तो उस समय लड़के लड़की में जो भी नुक्स होता है सारी दुनिया या सारा समाज जानता होगा, इसके बावजूद उसको अपन छुपा कर ही रखते हैं। ये हम भारतीयों की आदत है। आपने वो कहानी सुनी होगी जिसमें शादी का दलाल तो और भी एक्सपर्ट होते हैं, वो एक ऐसे घर में लड़का था, ऐसे घर का जहाँ पर 30-40 लोग थे, मतलब जॉइंट परिवार था, और जो भी बहू आती उसे इस जॉइंट परिवार में 30-40 लोगों की देखभाल करनी थी। तो दलाल आके बोला कि एक बहुत बड़ी सुंदर सुशील मेहनती कन्या मिली है जो इस परिवार में सबको एक ही नज़र से देखेगी। परिवार को बहुत अच्छा लगा कि हाँ, लड़की हो तो ऐसी हो जो ऊंच नीच ना करे, सबको एक ही नज़र से देखे। शादी हो गई। शादी के अगले दिन पता चला कि लड़की कायनी है। घर वालों ने माथा पीट लिया, कह रहे पहले से क्यों नहीं बताया कि लड़की कायनी है। तो बोला, मैं तो पहले ही बोला था कि सबको एक ही नज़र से देखती है, दो आंखें होंगी तो दो नज़र से देखेगी। ये अपन हिंदुस्तानियों की आदत है, हर चीज़ अपन छुपा कर रखते हैं। लेकिन ये मनुष्य की भी आदत है। लेकिन जब इस महान प्रभु के शिष्य ने प्रभु की जीवनी लिखी तो उसने अपने स्वयं के बारे में लिखा, तब बड़ा चढ़ाकर बोलने के बदले अपनी घटी को पहले बताया। लेकिन उसके पहले एक बात मैं बता दूं, प्रभु यीशु मृत्यु के बाद जब पुनर्जीवित हो गए, ईस्वी 33 में प्रभु सबके सामने स्वर्गारोहण कर गए। ईस्वी 35 और 40 के बीच में इस पुस्तक की रचना हुई जिसे आज हम मत्ती के द्वारा रचा गया शुभ संदेश बोलते हैं। ईस्वी 50 के आसपास प्रभु यीशु के 12 शिष्यों में से एक शिष्य प्रभु के शुभ संदेश को लेकर हिंदुस्तान पधारे थे। उनका नाम है संत थॉमा, जो कि थॉमस नाम के अंग्रेजी नाम का हिंदी रूप है। संत थॉमा यहाँ से कोई 20 या 25 किलोमीटर दूर, उस जमाने में पानी के जहाज़ आया करते थे कुडंगलूर नाम की जगह पे, 1600 ईस्वी के आसपास एक भयंकर भूकंप हुआ, तब से उस नदी की गहराई कम हो गई है और जहाज़ आने बंद हो गए हैं, लेकिन 1600 के आसपास तक कुडंगलूर इलाके में पानी के जहाज़ आया करते थे। प्रभु यीशु के 12 शिष्यों में से एक शिष्य संत थॉमा इस शुभ संदेश की एक कॉपी लेकर 50 ईस्वी में इस केरल प्रदेश के, यहाँ हम जो बैठे हैं यहाँ से मुश्किल से 20 या 25 किलोमीटर दूर होगा, वहाँ पर उतरे थे। और तब से प्रभु यीशु का ये शुभ संदेश, ये पुस्तक सारे हिंदुस्तान में उपलब्ध है। यहाँ से वे गए तमिलनाडु, और ऐसा अनुमान है कि वे आसपास के कई प्रदेशों में भी गए और उन्होंने बहुत सारे शिष्य कर लिए, और ये शिष्य इस शुभ संदेश की प्रति को लेकर, इसके हिंदुस्तानी अनुवादों को लेकर
कश्मीर तक गए थे। इसके बारे में गहरा अनुसंधान चल रहा है, लेकिन आप स्वयं जानते हैं कि 2000 साल पुराने बहुत सारे ऐतिहासिक दस्तावेज वगैरह नष्ट हो गए हैं, इसके बावजूद इसके बारे में काफ़ी जानकारी मिली है। मैंने सोचा कि अपन जब प्रभु के वचन का अध्ययन कर ही रहे हैं तो उसके साथ साथ वचन से संबंधित जो अन्य जानकारियाँ जो हमारे मन में होनी चाहिए वो भी मैं बताता चला जाऊँ, इसलिए मैंने ये पृष्ठभूमि आपको दी है। मत्ती जब अपने स्वयं के बारे में लिखता है तब वहाँ ये लिखा है कि एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा। महसूल की चौकी आज नहीं होती है, मेरे बचपन में तो होती थी। आज ज़्यादा से ज़्यादा सड़क पर आप जाएंगे तो एक आध दो जगह पर केरल में आप टोल टैक्स देखेंगे, लेकिन जितने लोग इस शहर में काम करते हैं वे लोग कम से कम इस बात को जानते हैं कि एर्नाकुलम में लूलू के पास एक जगह है जिसको एडप्पल्ली टोल कहा जाता है। उसके पीछे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, किसी जमाने में उसके वो जो टोल है उसके दक्षिण में अलग राज्य हुआ करता था और टोल के इस तरफ अलग राज्य हुआ करता था। केरल 14 राज्यों में बटा था और एक राज्य से दूसरे राज्य में इवन नारियल ले जाते थे तो बाकायदा चुंगी देनी पड़ती थी। चुंगी को अंग्रेजी में टोल कहा जाता है, तो चुंगी का नाका था। चुंगी का नाका तो सबने सुना होगा, अपने शहरों में चुंगी का नाका होता है। प्रभु यीशु के समय में चुंगी के नाके भी होते थे, चुंगी लेने वाले भी होते थे, लेकिन उनकी एक विशेषता थी, यहूदियों के राज्य के ऊपर शासन करते थे रोमी लोग। आज अपने देश में अपने ही देश के लोग शासन करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु जब संसार में पधारे थे तब प्रभु के समाज में यहूदी समाज में रहते थे यहूदी लोग, राज करते थे रोमी लोग, और रोमी लोग सिर्फ एक बात चाहते थे, पैसा पैसा पैसा। तो ये चुंगी वसूल करने का काम रोमी लोग स्वयं ना करके यहूदियों को सौंप देते थे। उसके पीछे भी एक कारण है, यदि कोई रोमी चुंगी वसूल करने के लिए आए और लोगों को पता चले कि चुंगी वसूल करने के लिए आ रहे हैं तो नगर सेठ जाके भिखारी से कहेगा, भैया दिन भर की भीख का 5 गुना मैं तुझे आज दे दूंगा, तू ये कपड़े उतार के मुझे दे दे। और नगर सेठ उस कपड़े को पहनकर किसी की कुटिया के सामने खड़ा हो जाएगा, कहेगा कि माई जान माई बाप, ये मेरी कुटिया है, यहाँ बच्चों को खाने के लाले पड़ रहे हैं, मैं आपको टैक्स क्या दे सकूँ। इस तरह से वो लोग बहुत चालाकी से बच जाएंगे। इसलिए रोमी लोग जो उनसे भी ज़्यादा चालाक थे उन्होंने ये क्या चालाकी की कि उन्हीं के लोगों को चुंगी वसूल करने का काम दिया। और यहूदियों के एक एक गांव में होते थे 4-4, 5-5 या ज़्यादा से ज़्यादा 10-10 हज़ार लोग। अपन लोग जानते हैं कि एक गांव में लगभग सभी एक दूसरे को जानते हैं, और यदि मुखामुख ना जानते हों तो भी यदि कोई जा रहा है तो बच्चा हो कि क्यों रे तू किस घर से आया है, और जैसे ही वो घर बता देगा वैसे ही आप उसकी पूरी जन्म कुंडली पढ़ सकेंगे। तो गांव के लोगों से गांव के लोगों को छुपना मुश्किल है, इसलिए रोमी लोगों ने चुंगी लेने का काम यहूदियों को सौंप रखा था। इसके साथ उन लोगों ने एक बदमाशी और की थी। जनरली राजे महाराजे लोग चुंगी लेते हैं तो फिक्स होता है कि 1 एकड़ जमीन पर इतनी चुंगी। रोमी लोग ऐसा नहीं करते थे, रोमी लोग चुंगी लेने के लिए बाकायदा बोली लगाते थे। तो हर गांव के जो गुंडे और लुच्चे थे वो लोग जाके बोली लगाते थे। तो एक ने कहा कि साल भर में मैं 1000 दीनार वसूल करूंगा, तो दूसरा 1100, 1300, और इस तरह से जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता था उसको चुंगी लेने का काम सौंप दिया जाता था।
तो चुंगी लेने वाले औसत लोग नहीं होते थे, ये उस समाज के गुंडे और लुच्चे होते थे, आज की भाषा में कहा जाए तो डाकू होते थे। और इनके पास गुंडों और लुटेरों की पूरी फौज रहती थी। ये लोग क्या करते थे कि एक आदमी को मान लीजिए देने की औकात है 5, तो उससे वसूल करते थे 25, और यदि किसी के देने की औकात है 100 तो उससे वसूल करते थे 500, और यदि ना दो पकड़ के जेल में डाल देते थे। इस बात की भी आज़ादी रोमी सरकार ने उनको दे रखी थी। कुल मिला के कहा जाए तो यहूदी समाज में जो चुंगी लेने वाले होते थे, ये यहूदी समाज के गुंडे और लुच्चे लोग होते थे, जो अपने स्वयं के लोगों को बुरी तरह से मार पीट पीड़ित करते थे और उनको घरों को लूट लेते थे। लूट के सबसे विशेष बात क्या है कि मान लीजिए 100 लूटा है तो उसमें से 10 रोमी शासन को देते थे, बाकी अपनी तिजोरी में रख लेते थे। ये इन लोगों की आदत थी। इनके ऊपर इतिहास ने बहुत प्रकाश डाला है, जिससे इस बात को हम समझते हैं कि यहूदी लोग ये जो चुंगी लेने वाले थे, इनको समाज के सबसे नीच, सबसे कुकर्मी और समाज का पर डाका डालने वाले लोग समझते थे। इस कारण समाज में कोई भी इज्जतदार व्यक्ति किसी चुंगी लेने वाले के साथ ना तो बोलता था, ना बैठता था, ना उसका अतिथि सत्कार स्वीकार करता था। इतने घिनौने समझे जाते थे यहूदी समाज में। ऐसा व्यक्ति था मत्ती। लेकिन चुंगी लेने वाले को हर चीज़ का हिसाब रखना पड़ता है, तो लिखा पढ़ी में एक्सपर्ट भी था, इसलिए उस व्यक्ति ने ये प्रभु यीशु की जीवनी लिखी है। प्रभु जा रहे थे, देखा तो मत्ती वहाँ बैठकर चुंगी वसूल कर रहा, बहुत ही फायदे का काम है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिससे उस समाज में कोई बात नहीं करता है, उस समाज में कोई इज्जत नहीं करता है, और कोई इज्जतदार व्यक्ति उसके घर में प्रवेश नहीं करना पसंद करता है, कोई अपनी बहू बेटियां देना नहीं पसंद करता है, ना वहाँ से बेटी रोटी का संबंध कोई करना चाहता है, ऐसा व्यक्ति जब वहाँ बैठा था, प्रभु बगल से गुजरे, प्रभु ने उससे सिर्फ एक बात कही, मेरे पीछे हो ले। हिंदी अनुवाद में 4 ही 4 शब्द हैं, प्रभु ने उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोला। ये आदमी जो समाज में सबसे शक्तिशाली था, सबसे धनी था, जिसकी तिजोरी में अगली 7 पीढ़ी के लिए पर्याप्त धन था और जो अगली 7 पीढ़ी के लिए कमा सकता था, जब उसने संसार के सृष्टा से, सृष्टा का दर्शन किया, सृष्टा से जब उसकी आंखें 4 हुई, तब सृष्टा को सिर्फ एक छोटा सा वाक्य बोलना पड़ा, मेरे पीछे हो ले। चुंगी चौकी सब छोड़कर, नफा नुकसान सब भूलकर, अगली 7 और पीढ़ियों के लिए कमाने की बात सोच छोड़कर, वो तुरंत प्रभु के पीछे हो गया। इमीडिएटली वो उठकर प्रभु के पीछे हो लिया। उत्तर भी कितना ब्रीफ है, मतलब उसके उसका जो वहाँ घटना हुई वो भी कितना 5 शब्दों में या 6 शब्दों में उठकर प्रभु के पीछे हो लिया। मत्ती के बदले और कोई व्यक्ति होता तो कभी भी अपने जीवन के भूतकाल में वो जो था उसके बारे में नहीं बताता। मैं अक्सर ऐसी सभाओं में जाता हूँ जहाँ पर लोग खड़े होकर अपना परिचय देते हैं या अपनी गवाही देते हैं, आत्मिक गवाही देते हैं,
जिस व्यक्ति के बारे में हमें मालूम है कि कभी उसने कॉलेज का मुंह नहीं देखा, वो अपनी गवाही चालू करता है, जब मैं पीएचडी कर रहा था, मतलब बीएससी कर ली, एमएससी कर ली, पीएचडी कर रहा था, उस समय प्रभु ने मुझे बुलाया और मैं पीएचडी छोड़ के प्रभु के पीछे हो लिया। तो दो बातें वहाँ हो गई। आपने आपने ये नहीं कहा कि आपने बीएससी की है, एमएससी की है, तो उसने झूठ नहीं बोला। बस एक झूठ से उसने अनेक झूठ बोल दिए। और यदि कोई पूछे कि भैया तुम तो पीएचडी कर रहे थे, तो वो बोल सकता है कि मैं तो प्रभु के पीछे चल दिए, इसलिए मैं नहीं कर पाया। मजे की बात यह है कि उस व्यक्ति ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा है। मनुष्य की आदत होती है, जब वो ठोस धरातल पर खड़ा हो जाता है, तो उसके बाद अपने भूतकाल के बारे में वो कहानियाँ रचने शुरू कर देता है कि मैं तो फलाने बादशाह का बेटा था, मैं फलाने राज्य का सिंहासन मुझे दिया गया, मैं उसको छोड़कर प्रभु के लिए निकल गया। प्रभु यीशु के 12 अनुयायियों में जो मत्ती नामक अनुयायी था, जब वो अपने बारे में लिखता है तो वो चाहे तो इन बड़ा चढ़ा कर बोल सकता था, नहीं, उसका पहला ही वाक्य इस बात को बताता है कि वो पापी, निकम्मा, लोगों के लिए अस्पृश्य, समाज का इस प्रकार का व्यक्ति था जिसके साथ कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहता है। वो चाहे तो इसको अवॉइड भी कर सकता था, लेकिन जब उसने अपनी जीवनी लिखी, वो इस बात को जानता था कि यह प्रभु का वचन है, उसने अपने बारे में अपनी गवाही छोटे शब्दों में लेकिन बहुत ही एक्यूरेट तरीके से लिखी, जो मुझे और आपको बार बार ये बात दिलाती है कि प्रभु जब संसार में आए तो वे शाही परिवारों में जन्मे हुए लोगों को ढूंढ कर अपना चेला बनाने के लिए नहीं आए। यदि शाही परिवार में से कोई प्रभु के पीछे जाना चाहता है तो कोई रोक नहीं है, लेकिन प्रभु उनको ढूंढने के लिए नहीं, प्रभु इस समाज के ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए आए थे जो मनुष्य के तौर तरीके के अनुसार कुछ भी नहीं समझे जाते हैं। और इस कारण आज शाम को मेरा और आपका मन कितने अधिक आभार से भर जाना चाहिए कि हे प्रभु, मुझ नालायक, निकम्मे और पापी को आपने ढूंढ निकाला कि मैं आपका शुभ संदेश सुन सकूं, मैं पापों से क्षमा पा सकूं और आपकी संतान बन सकूं। कभी क्षण भर के लिए इस बात को मुड़ के सोचा है क्या आपने? आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। जब प्रभु मत्ती के घर में भोजन के लिए बैठे, चौथा जो तीसरा लेखक है, डॉक्टर लूका या वैद्य लूका, उन्होंने इस घटना को लिखते समय एक और वाक्य जोड़ दिया है कि उस समाज में निंदित व्यक्ति को जब प्रभु ने अपने शिष्य होने के लिए बुलाया, तब ना केवल वो उठ के तुरंत प्रभु के पीछे चला गया, उसने प्रभु से कहा कि प्रभु दया करके मेरे घर में नियोते पर आइए। उसके पीछे उसकी एक इच्छा थी, और वो इच्छा क्या थी वो अभी मैं आपको बताता हूँ। आगे हम पढ़ते हैं। जब प्रभु घर में भोजन के लिए बैठे तो बहुत सारे चुंगी लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने पे बैठे। जो आदमी समाज में अस्पृश्य माना जाता है, जो सबके लिए निंदा का पात्र है, उसके घर में कौन आएगा? उसी के समान लोग ही तो आएंगे। तो जब प्रभु खाने के लिए उस घर में गए तो वहां जितने लोग बैठे थे वो एक से एक बढ़ के पापी और अपराधी लोग थे। जरा सोचिए, यदि हमको कोई खाने के लिए बुलाता है
शादी पे, मान के चलिए शादी पे बुलाता है, हमें नहीं मालूम कि वहाँ कौन आएगा। जैसे ही पंडाल में अपन ने प्रवेश किया तो शहर का सबसे नामी बदमाश, नंबर दो शहर का सबसे नामी हत्यारा, नंबर तीन शहर का सबसे नामी लुटेरा, नंबर चार शहर का वो बदनाम डॉक्टर जिसने इतने लोगों को मारा है कि किसी डाकू ने भी हत्या नहीं की होगी। इस तरह से जैसे जैसे आप पंडाल में आगे बढ़ते चले जाते हैं तो उस गांव, उसके आसपास के गांव के सारे बदनाम लोग यदि वहां बैठे हों तो जरा सोचिए आप वहां कितनी देर रुकेंगे। अच्छे अच्छों के प्राण सूख जाते हैं ऐसी भीड़ में, या तो वो फिर वैसा ही हो या उनसे एक कदम आगे बढ़ के हो। सज्जन आदमी हो तो उसका दम घुटने लगेगा, वो एक आध ग्लास पानी मांगेगा, पीते ही उसका ऐसा पसीना आएगा कि वो कहेगा कि भैया मेरी तबीयत खराब हो रही है, उल्टी होने को आ रही है। और जैसे ही आप उल्टी का नाम लेंगे तो घर वाला भी तुरंत आपको बाहर पहुंचा देगा कि कहीं जहां खाना होना है वहां पे उल्टी कर दे तो सारे अतिथि उठ के भाग जाएंगे। प्रभु संसार के सृष्टा हैं, सर्वज्ञानी हैं, वे इस बात को जानते हैं कि बदनाम आदमी के घर में बदनाम लोग ही आएंगे। इसके बावजूद संसार के सृष्टा, जो व्यक्ति जगत की रोशनी के रूप में जाना जाता है या उस नाम से जाना जाता है, प्रभु उस घर में गए, प्रभु उस घर में बैठे, प्रभु ने उस घर का आतिथ्य ग्रहण किया और आराम से उन लोगों के साथ खाने पर बैठ गए। क्यों? इसका उत्तर प्रभु ने स्वयं दिया है जो हम आगे देखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं एक और पद आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं, 11वां पद। यह देखकर फरीसियों ने प्रभु के चेलों से कहा, अरे तुम्हारा गुरु ये चुंगी लेने वालों का, चुंगी लेने वाला उस समाज में गाली समझी जाती थी। तो यदि हिंदी में जैसे अपन गाली दे के बोले कि अरे उसके घर गया है, वैसा ही वाक्य था, तुम्हारा गुरु ये चुंगी लेने वालों के साथ। और अगला वाक्य तो देखिए, पापियों के साथ बैठकर क्यों खाते हैं? प्रभु से नहीं पूछा, प्रभु के सामने तो उनके घुटने जो है वो आपस में टकराते हैं, लेकिन प्रभु के चेलों से पूछा कि आपके गुरु ऐसा क्यों करते हैं। यहां दो बातें हमको सोचनी चाहिए। बदनाम शहर की जो बदनाम बस्ती होती है वहां पर शरीफ लोग क्यों गए, ये पहले पूछने की बात है। फरीसी कौन होते थे? यहूदियों के धर्म पंडित, जो बाइबल के शुरू की पांच पुस्तकें, पांचों बड़ी बड़ी पुस्तकें, उन पांच पुस्तकों को मौखिक याद करते थे, उसके बाद वो पंडित बन पाते थे। ये पंडित क्यों बदनाम बस्ती में गए? उनको वहां जाने की क्या पड़ी थी? इससे ये बात भी हम समझ सकते हैं कि जो लोग प्रभु यीशु की बुराई करते हैं उनका अपना स्वयं का जीवन पवित्र नहीं है। लेकिन मुख्य बात जो हमको समझ लेनी चाहिए वो ये है, जो प्रभु ने आगे जो बात बोली, यह सुनकर प्रभु यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए जरूरी है। मैं अक्सर एक प्रश्न पूछा करता हूँ, जहाँ भी मैं क्लास लेने के लिए जाता हूँ
खासकर जवानों के बीच में, तो उनसे मैं एक प्रश्न पूछा करता हूँ, वो कौन लोग हैं जो सबसे इंटेलिजेंट हैं, सबसे ज़्यादा नंबर लाते हैं, सबसे ज़्यादा जिनकी बुद्धि है, जनरली देखने में स्मार्ट होते हैं, जो अपने परिवार की पूरी संपत्ति इस कार्य के लिए लुटा देते हैं जिससे कि जीवन का बचा हुआ जो समय है वो सड़े गले कटे पीप और मवाद से बहते हुए लोगों के बीच में बिता सकें? कौन है जो डॉक्टर बनना चाहता है? हम जानते हैं कि कोई औसत व्यक्ति मेडिकल कॉलेज में प्रवेश नहीं पा सकता है। ये सामान्य से ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं जो बाकायदे एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर परीक्षा पास करते हैं और उसके बाद मेडिकल कॉलेज में गधे के समान 5 साल पढ़ाई करते हैं और उसके बाद खच्चर के समान, खच्चर ना गधा होता है ना घोड़ा होता है, इस कारण ये अब ना तो विद्यार्थी है ना डॉक्टर है, खच्चर के समान 2 साल काम करता है, उसके बाद फिर कम से कम 3 साल आगे की पढ़ाई करता है, उसके बाद खच्चर के समान फिर 2 से 3 साल काम करता है, उसके बाद खुशी खुशी डिग्री लेकर निकलता है, जिससे कि जीवन भर समाज में सबसे कमज़ोर, लाचार, बीमार, सड़े गले लोगों के साथ उनके सड़े गले अंगों और अवयवों को देखने के लिए बिताता है। क्यों? इतना ही नहीं, ये जो जितने साल उसने बिताए उतने साल में पिता को तो वो कंगाल कर ही देता है, कुबेर हो तो बात अलग है, औसत पिता तो कंगाल हो जाता है। क्यों, किस लिए उसने जीवन में इतना निवेश किया जिससे कि अपना पूरा जीवन बीमारों के बीच में रहकर उनको एक नया जीवन दे सके? ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग सिर्फ पैसा बनाने के लिए जाते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अपना सारा जीवन मरीजों की सेवा में बिताते हैं। प्रभु के कहने का मतलब था, जब तुम्हारे बीच जो सबसे बुद्धिमान लोग हैं वे वैद्य बन जाते हैं और सारा जीवन मरीजों के साथ बिताते हैं, तो मैं जिसने इस पूरे विश्व की रचना की है, जब मैं मनुष्य रूप लेकर तुम्हारी मुक्ति के लिए इस संसार में पधारा, तो मैं भला कहे को धर्मियों के बीच में जीवन बिताऊं? मैं तो पापियों को बचाने के लिए आया हूं, इसलिए पापियों के बीच में ही तो समय बिताऊंगा जिससे कि मैं उनको इस पाप से उठाकर धर्मी बना सकूं। मैं दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति हूं जिसने 10 या 12 साल एक मेडिकल कॉलेज में इसलिए पढ़ाई की है कि आज जो सड़ा गला, दुर्गंध से भरा हुआ, जिसके बदन में कीड़े पड़े हुए हैं, मैं उसका इलाज कर सकूं जिससे कि कल जिसको लिटा कर लाए थे वो मेरे सामने से दौड़ कर शहर जाए और शहर में अफसर था, बिजनेसमैन था, वकील था, जो भी था, उस पोस्ट पर स्वस्थ रूप में वापस जा सकें। यदि एक डॉक्टर ये करता है तो संसार का सृष्टा जब इस संसार में आएगा तो पापियों के लिए ही ये करेगा और इसलिए पापियों के बीच में ही तो वो जाएगा। प्रभु के कहने का मतलब था कि हे फरीसियों, तुमने प्रभु के वचन के शुरू के 5 पुस्तक तो याद कर लिए लेकिन प्रभु के वचन को नहीं पहचाना। इसीलिए 13वें पद में प्रभु ने लिखा है, तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं दया चाहता हूँ। क्या मतलब है? धर्म के बाहरी कर्म कांड नहीं, प्रभु को चाहिए बदला हुआ दिल, प्रभु को चाहिए हमारा दिल जो बदल जाए। आज शाम को प्रभु यीशु के जीवन से इस अद्भुत घटना का हमने जो अध्ययन किया उसके आधार पर मैं 2-3
मोटी मोटी बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। नंबर एक, जिस व्यक्ति को प्रभु यीशु ने अपनी संतान बनाकर एक नया जीवन और एक नई पहचान दी है, उसको अपने पुराने जीवन के बारे में शर्माने की जरूरत नहीं है। क्यों? वो पुराना जीवन था प्रभु से मुलाकात करने से पहले। आज मैं आज़ाद हूँ, मैं इस बात के लिए भी आज़ाद हूँ कि लोगों को ये बता सकूँ कि कल मैं वो था, आज मैं ये हूँ। याद रखें, जब हम अपनी गवाही खुलकर ईमानदारी से दूसरों को बताते हैं तो लोगों के दिल स्पर्श कर जाते हैं। इस कारण आज इस सभा में जितने लोग एकत्रित हैं, उनमें से जिन्होंने भी प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में पाया है, वे इस बात को याद रखें कि आप जाकर अपनी गवाही ईमानदारी से जब दूसरों को बताएंगे तो उनके दिलों को स्पर्श कर जाएंगे, उनके दिलों को छू जाएंगे, उनके जीवन में रूपांतर के लिए अवसर मिलेगा। मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, आप में से कई लोगों को इस बात का अनुमान है कि मैं जीवन में हमेशा फर्स्ट क्लास रहा था, बल्कि यूनिवर्सिटी से जब मैं पढ़ के निकला तो मुझे सिल्वर मेडल भी मिला था। इस कारण जब मैं विद्यार्थियों के बीच में क्लास लेने जाता हूँ तो उनको लगता है कि अरे जॉनसन अंकल तो बहुत बड़ी हस्ती हैं। एक बार क्लास लेते समय किसी ने मुझसे कहा, जॉनसन अंकल, हिंदी में कहावत है, जाके पैर फटी न बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। मतलब जिसके पैर कभी फटे नहीं हैं, पैरों में कभी पीप नहीं पड़ा, वो दूसरे का दर्द क्या जाने। मैंने कहा, बेटा बोलो कहना क्या चाहते हो। अंकल हम तो फेल हो गए थे, आप जीवन में कभी फेल नहीं हुए इसलिए आप हमारा दर्द नहीं जानते। मैंने कहा कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, मैं बीएससी सेकंड ईयर में फेल हो गया था। अच्छा, उसने कहा इसके बाद आप वापस फर्स्ट क्लास। मैंने कहा ना केवल फर्स्ट क्लास बल्कि मैं यूनिवर्सिटी में पोजीशन लाया था, जिसके लिए यूनिवर्सिटी ने बाकायदा मुझे सिल्वर सर्टिफिकेट दिया था। वो बोला कि जॉनसन अंकल, आज पहली बार पता चला कि आपके साथ ऐसा हुआ है, यदि आपके साथ ऐसा हुआ है तो मेरे साथ भी हो सकता है। जिस विद्यार्थी ने मुझसे ये बात कही थी, इस घटना के 15 साल के बाद एक शादी में मेरी उससे मुलाकात हुई, मैं नहीं पहचान पाया। स्मार्ट जवान सूटेड बूटेड आके सामने खड़ा हुआ, जॉनसन अंकल आपने मुझे पहचाना क्या? मैंने कहा कि नहीं, मैं तुमको नहीं पहचाना। 15 साल में बच्चे बहुत बदल जाते हैं। उसने कहा कि मैं वो हूँ जिसको आपने पब्लिक में बताया था कि आप फेल हो गए थे। मैं निराश था, मेरे जीवन में एक नई आशा मिली, उसके कारण मेरा जीवन ऐसा रूपांतर हो गया, जॉनसन अंकल ऐसा रूपांतर हो गया कि मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसी पोजिशन में आज मैं पहुँच चुका हूँ। जब हम ईमानदारी से अपनी आत्मिक गवाही दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो प्रभु उस गवाही के द्वारा उनके जीवन को स्पर्श करते हैं और उनका रूपांतर करते हैं। पहली बात। दूसरी बात, मेरे प्रभु आपके प्रभु ने अपना जीवन ऐसे लोगों के बीच में बिताया जिनको उनकी ज़रूरत है, ना कि ऐसे लोगों के बीच में जिनको उनकी ज़रूरत नहीं है। मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि प्रभु ने हमको जो समय दिया है ऐसे लोगों के साथ समय बिताने की कोशिश करें जिनको मेरे आपके गवाही की ज़रूरत है, जिससे कि वे इस नए जीवन को पा सके। तीसरी बात, यदि इस सभा में ऐसा कोई भाई या बहन है जिसने इस सत्संग में या इसके बाहर या दोनों जगह प्रभु यीशु के द्वारा इस नए जीवन का संदेश बार बार सुना है, और सुनने के बाद भी यदि इस शुभ संदेश को पहचान कर प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, तो मेरा अनुरोध है, प्रिय भाई, देर ना करें, आज ही आप प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लें। आप कहेंगे, शास्त्री सर, ग्रहण करें
मुक्ति पाएं, ये बार बार सुना है, मैं समझ नहीं पाए। यदि समझ नहीं पाए कोई बात नहीं है, आपको समझाने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। चाय पी लें, उसके बाद आकर मुझसे मुलाकात कीजिए। और भी भाई लोग हैं जो ये बात आपको विस्तार से समझाएंगे, लेकिन प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किए बिना आज यहाँ से वापस ना जाएं, ये मेरा अनुरोध है। आज प्रभु ने इस तरह से यह धन्य अवसर हमको दिया, उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि प्रभु ने हम में से हर व्यक्ति से बात की है। मैं भाई संतोष से अनुरोध करता हूँ कि आगे आकर प्रार्थना में हमारी अगुवाई करके इस सभा को समाप्त करें।